माइंड ब्लोइंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज, अनबिलीवेबल न्यूज समझ लीजिए। नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम से काफी नजदीक एंड इस यूनिवर्स का सबसे छोटा ब्लैक होल को डिस्कवर किया है एंड इस ब्लैक होल को नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। देखिए, यूनिकॉर्न मतलब काल्पनिक घोड़ा, जैसे हमने अक्सर मूवीज में देखा है ना, उड़ने वाला घोड़ा, एक सींग वाला घोड़ा, उसे ही यूनिकॉर्न कहते हैं। अगर मैं इसे स्ट्रीट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो किसी असंभव या इम्पॉसिबल चीज को ढूंढना या देखना। अगर आप सच में किसी उड़ने वाले घोड़े को देखते हो, सच में यूनिकॉर्न को देखते हो, तो एक अजूबा हो जाएगा। उसी तरह इस ब्लैक होल को ढूंढना और देखना एक अजूबा है। सो दैट्स वाई इस ब्लैक होल को यूनिकॉर्न नाम दिया है। हे देर, आई एम रोनाल्ड लागवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, आपको वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज मैं चैनल पे नया हूँ। आई नीड सपोर्ट। अगर आपको सच में मेरा काम पसंद आता है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रीट लैंग्वेज में आपको सब कुछ प्रेजेंट करना, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सीन, ये बेहद बड़ी खोज है, दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वीडियो को पूरा देखना एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना एंड मेरी एक एक बात को नोट डाउन भी करना। देखिए, साइंटिस्ट ने कहा है कि ब्लैक होल छोटा होने के बाद भी इसका जो वेट है ना, सन से 3 गुना ज़्यादा है एंड सन से 3 गुना ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, सन से 3 गुना ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी एक ब्लैक होल के लिए इसका भार बेहद ही कम है, इसका वेट बेहद ही कम है। एंड अभी तक जितने भी ब्लैक होल को डिस्कवर किया है ना, वो सभी कम से कम सूरज से 5 गुना ज़्यादा बड़े थे एंड उसका वेट ज़्यादा बड़ा था। एंड ब्रह्मांड में इतना छोटा ब्लैक होल अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। सो दैट्स वाई नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे छोटा ब्लैक होल को डिस्कवर किया है एंड उसे नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। बट मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक है यूनिकॉर्न ब्लैक होल। सो कितना नज़दीक हो सकता है? सो हमारे सोलर सिस्टम से 1500 लाइट ईयर दूर है यूनिकॉर्न ब्लैक होल। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि 1500 लाइट ईयर दूर मतलब तेरे घर से नज़दीक है क्या? ऑब्वियसली 1500 लाइट ईयर दूर मतलब बेहद ही ज़्यादा दूर हो गया। सीन, वी ऑल नो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, बट क्या आप जानते हैं हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कि एक इंच से दूसरे इंच तक की दूरी कितनी है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, 1,00,000 लाइट ईयर दूर। और एक बार सुनिएगा, 1,00,000 लाइट ईयर दूर। अब आप ही कंपेयर कर लीजिए, 1,00,000 कहा और 1500 कहा। एंड अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने जितने भी ब्लैक होल को डिस्कवर किया है ना, या तो वे अदर गैलेक्सी के थे या हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, आई मीन 1500 लाइट ईयर से भी ज़्यादा दूर थे ब्लैक होल। सो दैट्स वाई यूनिकॉर्न ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है जिसे डिस्कवर किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ टॉपिक जरूर है बट आप जान लीजिए, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसके सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारा सोलर सिस्टम एंड हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं ना, इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे ढूंढा यूनिकॉर्न ब्लैक होल को? तो नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने मोनोसिरोस कॉन्स्टेलेशन में यूनिकॉर्न ब्लैक होल को पाया। मोनोसिरोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही है यूनिकॉर्न, अनबिलीवेबल। एंड कॉन्स्टेलेशन का मतलब है, कॉन्स्टेलेशन एक पैटर्न होता है, एक आकार होता है जो कि स्टार तारों के ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है, उससे ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। द पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। एंड इसी कॉन्स्टेलेशन को नाम दिया गया है मोनोसिरोस कॉन्स्टेलेशन। तो साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा कैसे, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे देखा कैसे? एस्ट्रोनॉमर्स ने मोनोसिरोस कॉन्स्टेलेशन में एक रेड जायंट स्टार देखा जो उस ब्लैक होल के ऑर्बिट में विशाल रेड जायंट स्टार है, जो कि उस स्टार का शेप अंडे जैसा था, एक इंपैक्ट खिंचाव जैसे हुआ था। देन साइंटिस्ट ने देखा, हाउ कुड दैट बी? ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट होगा इस स्टार के ऑर्बिट में जो कि इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रहा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक होल दिखते नहीं है क्योंकि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश भी, लाइट भी इससे बच नहीं सकता। देन साइंटिस्ट ने अपने पेशेंस से एंड टेलीस्कोप की मदद से इस ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया, देख लिया। दैट्स वाई यूनिकॉर्न ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतने बड़े रेड जायंट स्टार का सितारे का शेप ही बिगड़ गया और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को इस ब्लैक होल को ढूंढने के लिए बेहद आसानी हो गई, क्योंकि अगर इस ब्लैक होल का जो वेट होता सूरज से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता तो इस सितारों को अपने में समा लेता, शायद फिर साइंटिस्ट को इसे ढूंढने में तकलीफ हो जाती
एंड इतना करीब होने के बावजूद भी हम इसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए थे। सो दैट्स वाई इस यूनिकॉर्न ब्लैक होल का वेट ज़्यादा ना होने के कारण, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा ना होने के कारण इतने बड़े रेड जायंट स्टार को अपने में समा नहीं सका और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस तरह इतना छोटा यूनिवर्स का सबसे छोटा ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया। कैसी लगी आपको माइंड ब्लोइंग न्यूज़, क्योंकि बेहद ज़्यादा बड़ी खोज है। अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।